दोस्तों आप देख सकते हैं अयोध्या में हमारे इतनी बारिश हो रही है एक हफ्ते से कि मेरी धान की नर्सरी पूरी डूब रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हाल है, बहुत ही ज्यादा पानी बरस रहा है और मेरे खीरे का जो पेड़ है वो भी बारिश की वजह से डूब रहा है। चीन के साथ हुए हमले में शहीद हुए सभी भारतीय जवानों को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे, साथ में ईश्वर उनके परिवार वालों को इतनी शांति दे कि वो इस दुख की घड़ी से निकल सकें। और मुझसे जो हो रहा है दोस्तों वो तो मैं कर ही रहा हूं, जैसे मैं भी चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहा हूं, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको यही बताने आया हूं कि इस समय जो राजनीति चल रही है, जैसे कि चीन को लेकर, नेपाल को लेकर, कोरोना वायरस को लेकर और साथ में सुशांत सिंह की मौत को लेकर जो इस समय राजनीति चल रही है, जो यूट्यूब पर वीडियोज बन रही है, मतलब बहुत सारे उसमें जैसे ये टीका टिप्पणी हो रही है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, अगर हम इस राजनीति से थोड़ा सा निकले और जो हम चाइनीज सामान के बहिष्कार कर रहे हैं इससे थोड़ा सा जमीनी हकीकत पर आए कि अपने इंडिया के लिए कुछ कर सकें। जैसे कि अब आप देखेंगे यूट्यूब पर तो इंजीनियर के ऊपर वीडियोज बनती है कि इंजीनियर प्याज छील रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन कभी जैसे हम लोगों ने सोचा कि जो हम सामान चीन का बहिष्कार कर रहे हैं उसको हम अपने घर में नहीं बना सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं उसको आप लोग देखेंगे ही। जैसे कि अब सीधा मुद्दे पे आ जाते हैं, मैंने कुछ दिन पहले आपसे बताया था कि मैंने ये गोप्रो खरीदा था, उलांजी का केस खरीदा था और ये गोप्रो का माइक खरीदा था। उस समय मैंने आपको टेस्ट करके दिखाया था तो मुझे उस समय उतना ज्यादा पता नहीं था क्योंकि इससे पहले मैंने गोप्रो ना तो यूज किया था ना तो मैंने माइक मंगवाया था। मुझे इतना पता था कि जैसे मैं इसको मंगाऊंगा, लगाऊंगा और उसके बाद चलाऊंगा। तो जब मैंने टेस्ट किया 80 की स्पीड में तो उस समय आवाज तो आ रही थी, सरसराहट थी, लेकिन मैंने माना कि हो सकता है मेरे माइक में कोई कमी हो या मतलब उस समय मैंने ध्यान नहीं दिया। क्यों? क्योंकि मुझे पता था कि काफी ब्रांडेड कंपनी है, इसमें तो प्रॉब्लम आ नहीं सकती है दोस्तों। तो फिलहाल जब 10 दिन हो गए तो विकास भाई ने कहा यार एक दिन मुझे दो, मैं टेस्ट करता हूं। तो उन्होंने जब टेस्ट किया तो ये सही नहीं था, ये खराब हो चुका है और इतना सा प्रोडक्ट ये 4000 रुपए का आता है। ये अडाप्टर है 3.5 mm वाला, यही इसमें लगता है तब आवाज आती है। अब ये तो इस समय आप समझते हैं कि जैसे इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं है, इनसे इंग्लिश में बात करो गोप्रो वालों से, उसके बाद इनसे बहुत माथा पच्ची करो इंग्लिश में बात करो, उसके बाद पता नहीं वापस हो कि ना हो, मतलब बहुत ज्यादा इसमें नाटक नौटंकी इसमें बहुत ज्यादा मची हुई रहती है। और उसके बाद होगा कि नहीं होगा, मैंने तो अपने 4000 रुपए संतोष कर लिए हैं कि हो सकता है ये चला गया हो। तो अभी इस समय जैसे इससे जो क्लियर वॉइस वाली मैंने वीडियो सोचा था कि आप लोगों को दूंगा, वो तो अभी इस समय संभव नहीं है क्योंकि अब 4000 का तो चूना लगा ही दिया गोप्रो कंपनी ने और ये अपने इंडिया में इसका कोई सर्विस सेंटर नहीं। तो मैं इस वीडियो में ये बताने आया हूं कि जो ये गया वो गया, लेकिन हम जो इस समय राजनीति कर रहे हैं, अब जैसे शर्म की बात है कि सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर रोज वीडियोज बन रही हैं, रोज व्यूज ले रहे हैं लोग, रोज सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं और फेक वीडियो पर कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि सुशांत सिंह जिंदा हैं, उनके ऊपर भी मिलियन मिलियन व्यूज जा रहे हैं और साथ में चाइना को लेकर जो लोग जैसे कुछ नहीं कर सकते हैं वो भी लंबी लंबी फेंक रहे हैं, तो हम लोग चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। तो कभी हम जमीनी हकीकत पर उतर के आए हैं कि एक छोटा सा कैमरा इंडिया में नहीं बन सकता क्या इसके टक्कर का? और ये 4000 रुपए का मिलता है, इंडिया में 4500 रुपए का बेचो भाई, लेकिन यहां पर उसका सर्विस सेंटर होगा 500 रुपए महंगा होगा, 1000 रुपए महंगा होगा, तो हर यूट्यूबर खरीदेगा। लेकिन हमारे इंजीनियर भाई जो यूट्यूब पर वीडियोज बना रहे हैं, जैसे कुछ लोग इंजीनियर के ऊपर वीडियोज बनाते हैं कि वो प्याज छील रहे हैं, इंजीनियरिंग करके ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, थोड़ा सा जमीनी हकीकत पर ध्यान दो। क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग नहीं की है, मुझसे जो हो सक रहा है मतलब मैं जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं ईमानदारी से, मुझे उसमें कोई प्रोपोगंडा या कोई विवाद नहीं खड़ा करना है, लेकिन मुझे जो फील होता है कि मेरे तो गए दोस्तों, लेकिन कितनी छोटी सी बात है कि एक छोटा सा माइक हमारे देश में नहीं बन सकता है और हम चाइनीज सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। पहले हमें अंदर से मजबूत होना चाहिए, अपने घर घर में काम होना चाहिए, घर घर में लोग खुद का बिजनेस कर सकें और खुद छोटी छोटी चीजें बना सकें, और ये चीज यहां पर नहीं बनती है। तो अब ये जैसे वापस होगा कि नहीं होगा, मैंने तो भैया संतोष कर लिया है, अगर वापस होगा तो आप लोगों को बताऊंगा, उनसे बातचीत चल रही है, अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो 4000 रुपए तो मेरे गए। अब मैं आपसे जो बताना चाहता हूं कि अगर आप यूट्यूबर हैं और इसको मंगवाते हैं भैया, तो जब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो उसके बाद इसकी सेटिंग में जाएंगे जहां पर ऑडियो होता है, वहां पर आप देख लेंगे कि स्टूडियो का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, मतलब भैया उसी समय आप चेक कर लेना, बोया का माइक लग जाता है, मैंने बहुत सारी वीडियो में देखा है मेरा बोया का माइक इसमें काम नहीं कर रहा है। तो इसलिए भाई प्लीज अगर ऐसी चीजें अगर आप खरीदते हो तो प्लीज चेक कर लेना। मैं तो इस भरोसे में रह गया कि चलो यार गोप्रो का है, चलो 10 दिन बाद यूज करेंगे, 12 दिन बाद यूज करेंगे, और अफसोस की बात कि मैंने 11वें दिन चेक किया, अगर 10वें दिन मैंने चेक किया होता तो इसको रिटर्न कर देता, लेकिन अब तो चूना लग ही गया है। तो अभी फिलहाल जो मैंने सोचा था मोटो ब्लॉगिंग की चलते हुए भाई आपसे बात करते हुए चलेंगे, वो वीडियो तो अभी
समझ लीजिए कि फेल ही है, अगर ये वापस हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे वापस नया खरीदना पड़ेगा। तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को ये बताना चाहता था कि ये खराब हो गया, और साथ में इतनी इस समय जो लंबी लंबी लोग फेंक रहे हैं, लंबी लंबी राजनीति कर रहे हैं, उनको मैं ये कहना चाहता था कि थोड़ा सा भैया यहाँ पर भी ध्यान दो इंडिया में, कि और इन सब प्रोडक्ट को भी बनाने पर भी ध्यान दो, जिससे चाइना का जब हम पूर्णतया बहिष्कार कर दें तो हमारे देश में भी ये सामान मिले। ऐसा ना हो कि हमें अमेरिका के और सिंगापुर के भरोसे रहना पड़े कि कब वो बना कर देंगे, तब वो। अब ये मत कहना भाई कि तुम बना दो, अगर मेरे पास जैसे इसकी वो होती, बनाने की काबिलियत होती, क्योंकि मैंने इसकी पढ़ाई नहीं की है, और अगर इसकी होती तो मैं जरूर करता। फिलहाल जो मुझसे हो रहा है वो मैं कर रहा हूँ। अब आपको अच्छा लगा या बुरा लगा आप लोग कमेंट में जरूर बताना। वीडियो को ज़्यादा लंबी नहीं करते हैं, भूनकर ज़्यादा बनाते नहीं हैं। फिलहाल ये खराब हो चुका है, जैसे सही हो जाएगा आपको बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया हुआ है। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।